तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे देश के जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड लवर हैं। ऑब्वियसली इंडियन कोस्ट गार्ड 1/2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जारी कर दिया गया है और जल्द ही इसका अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ रिलीज द डिटेल नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि 10+2 लेवल पे इंडियन कोस्ट गार्ड में GDDB और यांत्रिक की वैकेंसी होती है, उसी तरीके से ग्रेजुएशन लेवल पे इंडियन कोस्ट गार्ड की असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी होती है। तो एग्जैक्टली असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी है जो कि CGCAT आपका 01/2024 बैच। एनी कैंडिडेट हु इज इंटरेस्टेड इन द कोस्ट गार्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 25 जनवरी, मतलब भैया इसको 25 जनवरी से जबरदस्त तरीके से अप्लाई करें फ्रॉम 11 AM, और 9 फरवरी तक आपको मौका दिया गया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, 25 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक। मैं सारे के सारे जितने भी हमारे ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं, ऑब्वियसली आप बढ़ चढ़ के FCAT का फॉर्म अप्लाई करते हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसी कड़ी में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का भी फॉर्म जरूर फिल करें। बिल्कुल सेम पैटर्न आप एग्जामिनेशन है, अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जैक्टली इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन GK के, और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं बच्चा, 120 मिनट्स का टाइम मिलता है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और ऑब्वियसली 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग होती है, दैट मीन एक नंबर कट जाता है गलत करने पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस। तो मैं चाहूंगा कि देश का जितना भी हमारा ग्रेजुएशन का जो है छात्र है, और ऑब्वियसली वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है 60% के साथ, तो मुझे लगता है कि आप सबको बढ़ चढ़ के इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। और एग्जैक्टली मैं देश के हर इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट फॉर्म भरने वाले बच्चों को आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि मेजर कल्सी क्लासेस अपने YouTube के स्पेशल चैनल MKC FCAT ACC ICG TA क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है, बगल में आपको भी दिखाई देगा, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं MKC FCAT ACC TA ICG के नाम से, या आप मेजर कल्सी क्लासेस ऑफिशियल चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं चैनल सेक्शन में भी जाकर के MKC FCAT ACC TA ICG चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां आपको हम स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो एग्जैक्टली डेडिकेट होगी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के प्रिपरेशन के लिए, और देश का ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए स्पेशली YouTube पे इस तरह की क्लासेस चलाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं, MKC लर्निंग ऐप पे आप डाउनलोड हमें कर लें, MKC लर्निंग ऐप के माध्यम से आप इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की एक बेहतर तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। और साथ ही साथ MKC टेस्ट प्रेप ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, उसके लगातार कई मॉक दे करके आप खुद को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। तो हर तरह से मेजर कल्सी तैयार है आपको बेहतर करने के लिए। हमने ऑफलाइन में हमेशा जबरदस्त किया इस देश के अंदर, उसी तरीके अब ऑनलाइन में भी हम देश को जबरदस्त दे रहे हैं यूट्यूब के ही माध्यम से, MKC लर्निंग ऐप के माध्यम से। तो आज हमें बेसिकली इस पूरे नोटिफिकेशन को लेकर के डिटेल में बात करेंगे। पहले मैंने आपको आश्वस्त कर दिया कि तैयारी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास है अपना स्वयं का चैनल जिसका नाम ही है MKC FCAT ACC TA ICG क्लासेस के नाम से। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज के नोटिफिकेशन में हम कब से कब फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम शेड्यूल आपका कब है, वैकेंसीज क्या हैं, कितनी कैटेगरी की वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कब होगा, फाइनल जोनिंग कब होगी, फेज 2 क्या है, फेज 3 क्या है, सारी डिटेल में बात करेंगे, और मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आखिर इसके अंतर्गत होने वाला PSB और FSB क्या है, इन सारे पहलुओं पर नज़र डालेंगे और आपको बिल्कुल क्लैरिटी कर देंगे। तो बिल्कुल वीडियो में थोड़ी देर बने रहिए जिससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल सके। एप्लीकेशन जैसे आपको पता है कि 25 जनवरी से अप्लाई हो रहा है, 9 फरवरी तक है, बट इतना लंबा क्यों जाना, 25 को जैसे ही फॉर्म ओपन होता फटाफट जाके अप्लाई करें। जनरल ड्यूटी की जब बात करते हैं तो बैचलर डिग्री आपकी चाहिए होती है, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, सारे सेमेस्टर्स आपके क्लियर होने चाहिए, और 60% अगर आपका ओवरऑल एग्रीगेट आ रहा है तो आप बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को अप्लाई करिए। ऑब्वियसली इसके लिए जो क्राइटेरिया एज का रखा गया है, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली 1/7/1998 से 36/2002, दैट मीन 1/7/1998 से 30/6/2002 पर्टिकुलर डेट पर जन्म हुआ है या इनके बिटवीन आपका जन्म हुआ है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 2/2023 वैकेंसी की हम यहाँ पे डिटेल में बात कर रहे हैं, टोटल 71 वैकेंसीज हैं। हाँ, इसमें थोड़ा मैथ फिजिक्स भी होना ज़रूरी है आपका 10+2 लेवल पे अगर ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसके साथ एक वैकेंसी और लगती है कमर्शियल पायलट की, जिसको CPL SSA कहा जाता है। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए 60% से, और आपके पास वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी होना चाहिए जो DGCA द्वारा अप्रूव्ड हो। अगर है तो बिल्कुल आप जितने भी हमारे हैं बहुत सारे जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस ले रखे हैं और ऑब्वियसली वो प्राइवेट फ्लाइंग कर रहे हैं या अभी नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब में आप सबके लिए भी जाने के लिए। तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई किए, मेल फीमेल बोथ एलिजिबल। इसमें एज का क्राइटेरिया जो है 1/7
अक्टूबर 1998 टू आपका 36/2004 है, मतलब एक साथ 1998 से 30/6/2004 तक आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं टेक्निकल में बात करें तो मैकेनिकल के लिए अलग आता है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग आता है। अब मैकेनिकल में सब कुछ हो गया, जितने भी तरह के ब्रांचेज हैं। हाँ, 10+2 भी साइंस स्ट्रीम होना इसमें ज़रूरी है। मेल कैंडिडेट्स जा सकते हैं टेक्निकल मैकेनिकल के लिए, और इसमें 1/7/1998 से 30/6/2002 तक एज का क्राइटेरिया है। बाकी डिटेल में दिख जाएगा कौन कौन से ब्रांचेज हैं। वहीं टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो इसमें भी भाई टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इन सब में जितना इंजीनियरिंग कोर्स है इसमें भी 10+2 साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। इसमें भी एज का क्राइटेरिया वही है, 1/7/1998 से 30/6/2002 तक है। लॉ इंट्री भी एक की जाती है, इसमें बैचलर डिग्री है, लॉ आपका कंप्लीट होना चाहिए 60% के साथ। मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। 1/7/1994 से 30/6/2002 तक ये एज का क्राइटेरिया है जो यहाँ पे रखा गया है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल आप बढ़ चढ़ के जाइए। मेडिकल को लेके बहुत ज़्यादा वरीज ना हो, क्योंकि स्पेक्ट्स अलाउड है, नो इशू, बट स्पेक्ट्स के बाद आपका आई विजन जो होना चाहिए 6/6 होना चाहिए। अगर वो है तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है आपके लिए। जो भी मेल आईडी वगैरह बनाए वो वैलिड होनी चाहिए, एटलीस्ट 31/12/2023 तक होनी ही चाहिए, क्योंकि तब तक आपका ज्वाइनिंग स्टेज आ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, क्या क्या जरूरी है। ऑब्वियसली अप्लाई करने के लिए joinindiancoastguard.cdac.in पे तो आपको जाना ही जाना है, ये आपका वेबसाइट है, 25 जनवरी से शुरू हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन भी है, 5 साल SC/ST के लिए, 3 साल OBC कैटेगरी के लिए है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, अगर हम देखें ध्यान से तो मार्च में आपके एग्जाम प्रोजेक्टेड है। अगर आज से मैं देखूँ तो एग्जैक्टली 2 महीने आपके पास समय है, इसलिए स्पेशल बैच भी हम लोगों ने MKC लर्निंग ऐप पे लॉन्च कर दिया है आपके लिए। उसके लिए सिंपल कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, या व्हाट्सअप कर लीजिए 9696220022 पर। दोनों ही माध्यम से बच्चा जो है आपको मौका मिलेगा भैया, इसके लिए आप एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। आप इसके लिए मार्च में जैसे मैंने बताया एग्जाम है स्टेज 2, ऑब्वियसली जो आपका है PSB जिसको कहा जाता है, स्टेज 3 आपका FSB हो जाता है, स्टेज 4 आपका एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल प्रोसीडिंग हो जाता है, और फाइनली फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो दिसंबर में ज्वाइनिंग है, तो आपका पहले रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद जब रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे तो आप PSB और FSB के लिए जाएंगे। उसकी बेहतर तैयारी मेजर कल्सी क्लासेस में है। PSB स्पेशल बैचेज होती है हमारे पास, FSB स्पेशल होती हैं, ऑनलाइन भी हम देते हैं, ऑफलाइन भी देते हैं, तो उसके भी माध्यम से हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। दैट मीन्स संपूर्ण रिटर्न से लेके PSB FSB से लेके मेडिकल तक का जो हर स्टेप पे एक बेहतर तैयारी की आप बात करते हैं तो आपको मिलेगा मेजर कल्सी परिवार से। तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा बनिए और वाकई में एक बेहतर तैयारी करिए। कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे जब आप कर रहे होंगे तो डाउनलोड आप करते समय अपलोड करना पड़ेगा, जब आप भर रहे होंगे। रिसेंट फोटोग्राफ आपकी रिक्वायर्ड होंगी, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बाकी उस पर जो है जो क्राइटेरिया है कि जो है स्लेट वगैरह लेके फ़ोटो खिंचानी होती है, व्हाइट चाक से कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं जिसमें अपना नाम होता है, डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली वो स्पष्ट लिखा होना चाहिए, स्पेक्ट्स उतार के फोटो खिंचाना, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते हैं। कैंडिडेट का स्कैन सिग्नेचर होगी, फिर आपका क्लियर लेफ्ट एंड राइट थंब का इंप्रेशन जो होगा उसको भी अपलोड करना होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया 10th वाला जो आप करेंगे, एंड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कुछ भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप ICG पर्सनल इंक्लूडिंग सिविलियन हैं तो कहीं वर्किंग हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करेंगे, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, अगर उसकी एलिजिबिलिटी के माध्यम से आप कोई बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो हाइट वगैरह में। हर चीज़ का हाइट को भी लेके बहुत घबराया ना करें आप लोग, गर्ल्स के लिए 152 और मेल के लिए जो है हमारा 157 का क्राइटेरिया रहता है। आशा करता हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। 25 जनवरी से डिटेल शुरू होने जा रहा, तो फॉर्म भरने के भी प्रोसेस को लेकर के एक स्पेशल वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। बट एक ही बात ध्यान रखना है कि फॉर्म भी भरना है इस बार, तैयारी भी करना है, और MKC के साथ लग के तैयारी करना है जिससे आप अपनी सफलता को सियोर शॉट तय कर सके। और MKC स्पेशल चैनल जो बार बार मैं कह रहा हूँ, FKAT ACCT ICG चैनल के नाम से या MKC लर्निंग ऐप के माध्यम से ऑफलाइन जिस तरह से भी आप जुड़ना चाहें, हर दृष्टिकोण से हम आपके साथ हैं। बेहतर बुक भी हम प्रोवाइड करते हैं MKC पब्लिकेशन जो स्पेशली डिज़ाइन ही है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं, उठिए, खड़े होइए और लग जाइए इस बार, और ठानिए कि इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट में आप ग्राउंड ड्यूटी का लक्ष्य या इंजीनियरिंग टेक्निकल जो इंजीनियर्स हैं टेक्निकल ब्रांचेस का लक्ष्य अपना पूरा करेंगे, और जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाले हैं वो बिल्कुल फ्लाइंग कोर में जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी तरह अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या व्हाट्सअप करें 9696220022 पर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।